from you? This is Savita. She's my wife. Oh. She is a victim. She came by मैंने जब दर्पण रेडियो पे इंटरव्यू करा था तो मुझे पहली बार मालूम हम दोस्त हैं लेकिन पहली बार मालूम पड़ा कि वो इससे गुजरी है जो फिल्म में दिखाया गया है. आप बताइए. I know, but just want to say that this is not fiction. This is the fact. Story you have made, because just the one person. You see, what happened so far? No justice. No justice. I haven't seen my home after I left. I've not been there. Like, nahi baat. Man karta hai ki jaaye, like. Aaj we had to relive it. Everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपके जो दर्द था उसका दर्द का तो निदान मिलेगा. सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ. We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा. इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं. This is the fact. The soaking, the drop barrel. It's all true, but no fun. आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कभी कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो. मैंने नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है. I never याद आर्टिकल 370, but whatever those people, you have seen, please give justice. You can help us to support and give justice to those people. Really, the victims of this. पंडितों का दर्द है, बेदर्द सियासत है. कश्मीर पर पिक्चर, लेकिन कांग्रेस परेशान क्यों? कश्मीर से पंडितों के पलायन का आखिरकार जिम्मेदार कौन, आज पूरा देश ये पूछ रहा है. कश्मीर फाइल्स पर सियासत हो रही है. पलायन का दर्द बताने में 33 साल लग गए, लेकिन अब पंडितों को इंसाफ दिलाने की लेकर जो सरकारें नाकाम रही उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कश्मीर देश का मान, देश की शान, देश का ताज, लेकिन कश्मीरी पंडितों का पलायन आज भी सवाल बना हुआ. 14 सितंबर 1989 पंडित टीका लाल टपलू की हत्या, यहीं से खड़ा हुआ सवाल. 19 जनवरी 1990 तारीख, कश्मीर के इतिहास में, देश के इतिहास में यह तारीख काला अध्याय है. कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने धमकी दी, धमकी. और फिर क्या हुआ? एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया. जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, अपने देश में, अपने मुल्क में कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी हो गए, कश्मीर को छोड़ने पर मजबूर हो गए, और सियासत सिर्फ और सिर्फ देखती रही, ताकती रही, खामोश रही. 5 लाख कश्मीरी पंडितों में से करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए. 5 लाख कश्मीरी पंडितों में से 3.5 लाख 1990 के अंत तक, यानी कि आखिर तक 1990, लगभग 95% कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ दिया. कश्मीर को आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल जो आज खड़े हुए हैं वो आपके सामने कि कश्मीर पर पिक्चर पर कांग्रेस परेशान क्यों. सवाल पूछेंगे कि पलायन का जिम्मेदार कौन, कश्मीर फाइल्स पर सियासत आखिरकार क्यों. सवाल पूछेंगे कि पलायन का दर्द बताने में
33 साल क्यों लग गए? क्या सरकारें कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने में नाकाम रही? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूछेंगे अपने ही मेहमानों से सवाल और जानेंगे कश्मीरी पंडितों के दर्द का। पहले आपको एक राजनीतिक बयान भी सुनाता हूं, साध्वी का बयान आया है और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा उस बयान को प्ले करिएगा और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे इसी विषय को लेकर, वो मेहमान जो खुलकर अपनी राय रखेंगे कि क्या वाकई कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई, और उस ट्वीट का जिक्र भी करेंगे जो कांग्रेस के घर से आया इस पूरे विषय को लेकर, जिसने सवाल खड़े कर दिए, कोहराम मचा दिया। लेकिन पहले जरा साध्वी का बयान सुनिए। रुड़की में आरआर सिनेमा के अंदर कश्मीर के हिंदुओं की जो रियलिटी दिखाई है उसको देखने आए, रियलिटी को देख करके वास्तव में हमें तो देख करके बेहद दर्द हो रहा है। जिन लोगों ने उन विषम परिस्थितियों को भोगा है, उस दर्दनाक हादसे को सहन किया है, उन लोगों की हिम्मत समझती हूँ। वास्तव में आज मेरी भी हिम्मत टूट गई इसको देख। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करूँगी कि इस कश्मीर पिक्चर का टैक्स फ्री किया जाए और युवाओं को ज़रूर दिखाया जाए, कॉलेज में बच्चों को ज़रूर दिखाया जाए। हर हिंदुस्तानी को कश्मीर के ऊपर जो पिक्चर बनी वो देखनी चाहिए। ये जो कश्मीर के अंदर घटनाएं घटी है, कश्मीर के हिंदुओं को जो टॉर्चर किया गया, नरसंहार हुआ, जो एक तरह से नरसंहार किया गया, वो हर भारतीय को देखना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को देखना। तो ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई और इन तस्वीरों का जिक्र भी हम कर रहे हैं, तस्वीरें जो आज पूरा दिन सवाल खड़ा कर रही थी, कश्मीर पर पिक्चर क्या वाकई भावनाओं को भड़काने के लिए बनाई गई, जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है और अब बकायदा उस पर सियासत भी हो रही है। उस सियासत को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिसका जिक्र भी किया जा रहा है। अब जो सवाल हैं, जो सीधे तौर पर जिसका जिक्र हमने किया कि आखिरकार जो फिल्म दिखाई गई और उस इतिहास का लम्हा याद करवाया गया, जिस इतिहास पे वो काला अध्याय जुड़ा है जिसमें कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, तो मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के तेज तरार प्रवक्ताओं में से एक हैं। प्रमुख साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। साजिद जी जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साजिद जी। हमारे साथ इस वक्त चंद्रेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंद्रेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और हमारे मित्र भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका भी। लेकिन सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत चंद्रेश जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरा ऑडियो आ रहा है चंद्रेश जी? हाँ, चंद्रेश जी हम उम्मीद भी कर रहे थे कि इस चर्चा की शुरुआत, मेरी मजबूरी है आपसे चर्चा की शुरुआत करना, जानते हैं क्यों? नहीं, ये अच्छी चीज है और आपको हमसे इस चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि मैंने एक ट्वीट देखा था, कांग्रेस केरल इकाई का ट्वीट। कांग्रेस केरल इकाई का ट्वीट, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा उस ट्वीट को एक बार प्ले करें। और ये ट्वीट जिसमें लिखा गया कि पिछले 17 साल 1990 से 2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 पंडित मारे गए, इस अवधि में आतंकियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है।
चंद्रेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रेश जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। चंद्रेश जी, इस ट्वीट को जो मैंने पढ़ा, जो आपकी इकाई ने किया, आप ही के नेताओं ने किया, जो ट्वीट मैंने पढ़ा, केरल इकाई आपकी, इस ट्वीट पर फक्र है आपको? चंद्रेश जी, इस ट्वीट पर फक्र है आपको? देखिए, ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट के माध्यम से ये बताया गया है कि घाटी के अंदर किन परिस्थितियों में क्या हुआ है, और घाटी में जान गंवाने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों है। तो कहीं से भी इस ट्वीट के अंदर कोई भी कॉमनल बात नहीं है, समाज को बात। अगर ये कॉमनल बात नहीं है तो आपने इस ट्वीट को डिलीट क्यों किया? चंद्रेश जी, आपने इस ट्वीट को डिलीट क्यों किया? आपने इस ट्वीट को डिलीट क्यों किया? नहीं, नहीं, अगर आपको इस ट्वीट पर फक्र है, अगर आपको इस ट्वीट पर फक्र है तो आपने इसे डिलीट क्यों किया? ऐसा है कि इस ट्वीट पर हमने ना कहा कि हमें फक्र है और ना हमें कोई शर्म है, दोनों बात मैं कह रहा हूं। आपको शर्म नहीं आई इस ट्वीट को देखकर? आप इस ट्वीट में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप इस ट्वीट में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं है ये, हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। आप क्या साबित कर रहे हैं चंद्रेश जी? आप क्या साबित कर रहे हैं? 1990 से 2007 में आतंकी हमले हुए, 399 पंडित मारे गए। आपने लिखा 399 पंडित मारे गए, आपने लिखा ना कि 399 पंडित मारे गए और मुसलमानों की संख्या 15,000 है। किसने, क्या साबित कर रहे हैं? किसने किस परिस्थिति में उसने ट्वीट किया नहीं किया, किसी ने गलती से ट्वीट डाला, उसका ट्विटर हैक हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अच्छा, तो गलती से डाला? मुझे लगता है कि ट्वीट करने वाले को खुद ही लगा कि ट्वीट ये गलत हो गया होगा। तो ये गलतियां आपके घर से क्यों होती है? कोई बहस नहीं बनता। ये गलतियां आपके घर से क्यों होती है? ये गलतियां आपके घर से क्यों होती है? ऐसी गलतियां जहां बताते हैं कि हिंदू इतने मारे गए, हिंदू पंडित इतने मारे गए, कश्मीरी पंडित और मुसलमान इतने मारे गए आंकड़े के साथ, ये गलतियां आपके घर से ही क्यों होती है चंद्रेश जी? चंद्रेश जी का नेटवर्क चला गया है, प्लीज नेटवर्क मिलाइए प्लीज। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं विषय पर, मुझे समय दिया जाए। नेटवर्क चला गया था, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि ट्वीट करने वाले ने जब अपने ट्वीट को खुद ही मूल्यांकन करके डिलीट कर दिया तो ये चर्चा का विषय नहीं बनता। आप तो कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आई, कि कश्मीर पर अभी कह रहे थे कि हमें इस ट्वीट को पढ़ने के बाद शर्म नहीं आई। नहीं नहीं, हमें मैंने तो सिंपल बात कहा भैया कि जब ट्वीट करने वाले ने स्वतः ही अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया तो मेरे लिए ना ये गर्व की बात है ना शर्म की बात है, क्योंकि ये विषय ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई गई है और कश्मीर फाइल फिल्म्स में उस वहां पर कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ, कितनी दरिंदगी हुई, किस तरीके से ब्लास्टिंग हुआ, मैंने भी आज एक ट्वीट किया है और मेरे ट्वीट को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लाइक किया, यूथ कांग्रेस ने उसको लाइक किया है। और मैंने जो ट्वीट किया है, मैंने स्पष्ट किया है कि उस समय जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कश्मीरी पंडितों के साथ बलात्संग हुआ, उनके साथ छेड़छाड़ हुई, उनकी संपत्ति को लूटा गया, उनको जबरन कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। इसका गुनहगार और वह दिन, इसका गुनहगार कौन है? हाँ, अब विषय आया, इसका गुनहगार कौन है? उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जगमोहन कश्मीर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जो भाजपा के थे, मोहम्मद सईद। जगमोहन किसके प्यारे थे? जो केंद्रीय गृह मंत्री थे। जगमोहन को राज्यपाल किसने बनाया था ये भी बताइए? जगमोहन को राज्यपाल किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी। किसके प्रिय थे वो? भारतीय जनता पार्टी। किससे मोहब्बत करते थे वो? ये भी बताइए। जनता पार्टी के थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़े, बहुत लंबे समय तक कार्य किया
और दूसरी बात सुनिए, तो फिर मुझे ये भी बता दीजिए, मुझे ये भी बता दीजिए, 85 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी 85 सांसदों के साथ बीपी सिंह की सरकार को समर्थन की थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, ये भाजपा और जगमोहन को राज्यपाल बनाया किसने, जगमोहन को राज्यपाल बनाया किसने, केंद्र में किसकी राज्यपाल, किसने बनाया, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता, किसने बनाया ये भी बताइए ना, प्रसाद पर्यंत किसने बताया ये भी बताइए, देश के प्रधानमंत्री, तो ये भी बताइए, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं तथ्य गलत बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, चंद्रेशी तथ्य गलत बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, तथ्य गलत बोल रहा हूँ तो ये माइक छोड़कर घर वापस लौट जाऊंगा अभी इसी समय अगर मैं तथ्य गलत बोलूंगा तो। ये भी बताइए कश्मीरी पंडित, आपके कश्मीरी पंडित, ये ना भारत का प्रधानमंत्री कौन था, मैं आपको प्रधानमंत्री बता रहा हूँ, अगर ये प्रधानमंत्री वाली बात आ गई तो प्रधानमंत्री बता रहा हूँ, लाइए वापस स्क्रीन पर जैसे अभी लेकर आए थे सुमित, चंद्रेश जी अब मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री के रूप में बात कर रहे हैं तो कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 370 और 35 के बीच की देन है, घटना घटी आप ये मत बताइए, सर सवाल सुन लीजिए आप, क्यों डर रहे हैं आप, सवाल से क्यों डर रहे हैं आप, घटना घटी भारत, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ पूरी हकीकत बता रहा हूँ, जब घटना घटी अभी पूरी हकीकत बता रहा हूँ, आप जड़ में जाइए ना, मैं जड़ दिखा रहा हूँ आप, 85 सांसदों के साथ अटल, आप जड़ में जाइए, समर्थन किया था, जाओ आप जड़ में जाइए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीरी पंडित उस घटना के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भाग क्यों रहे हैं, जिम्मेदार थे, भाग क्यों रहे हैं आप, चंद्रेश जी भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं आप, सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कश्मीरी पंडित, हमारे हमारे कश्मीरी पंडित पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये 370-35 किसने दिया, किसने दिया यह भी बताइए, और यह भी बताइए कि जब इंदिरा गांधी खुद कश्मीर में जमीन खरीदना चाह रही थी तो वह जमीन नहीं खरीद पाई, क्यों, किसकी देन थी यह 370 और 35 है, यह भी बताइए ना, संविधान में 370 और 371 स्पेशल राज्य का दर्जा प्रदान करता है, और हमारे यहाँ किसने दिया, किसने किया दो नेशन थ्योरी पर, किसने किया दो नेशन थ्योरी पर, किसने किया, किसने किया स्पेशल राज्य का दर्जा विशेष परिस्थितियों में, तो विशेष परिस्थितियों में ताउम्र बांध दिया आपने, ताउम्र बांध दिया, ये किसने दिया, 70 देकर भारत में विलय कराया कि नहीं कराया, हमने आपने विलय करवाया, आपने विलय करवाया, भारत में विलय कराया, हमने हैदराबाद को भारत में विलय कराया, पटेल 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 अखंड भारत, अखंड भारत हमने विलय कराया, अभी आ रहा हूँ, अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा, भारत अखंड भारत बनाने वाला कांग्रेस है, तस्वीरें दिखाऊंगा, रुक जाइए और सुनिए, अभी रुकिए, उस समय जम्मू कश्मीर मामले के मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी उसी पर आऊंगा, बहुत सही नाम लिया, मामले के मंत्री कौन थे, बहुत सही नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बिल्कुल सही नाम लिया, रुकिए आप, देवेंद्र प्रमुख साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देवेंद्र प्रमुख साहब के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सरकार भी बनाया था, एक मिनट, एक मिनट, श्यामा प्रसाद, एक मिनट, एक मिनट, बहुत देर से चंद्रेश जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, एक बहुत देर से वेट कर रहे हैं, देवेंद्र प्रमुख साहब फिल्म देखी आपने, कैसे लगी आपको, तिलक जी मैं पूरी फिल्म देख नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीजों से आभार पूछता पूरी फिल्म पर, और मेरे साथ क्या बहुत लोगों ने देखी है, उनकी भावना जरूर मैंने पढ़ ली है और देखी है कि जो देश पर एक ये बदनाम दाग, बदनुमा दाग से बदनामी भी हुई थी, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो प्रमाणित हुई है, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपके माध्यम से आपने बहुत अच्छे से कांग्रेस को उसकी परिभाषा बता दी है, मैं आपकी परिभाषा बताऊं, उन्होंने देश के साथ क्या क्या किया था, मैं आपकी परिभाषा बताऊं, और कैसे कैसे उसको जोड़े कर रखा था, कैसे कैसे उसका डीएनए चेंज करने का प्रयास किया था, आपकी इजाजत हो, कांग्रेस के डीएनए में जाकर सरकार आप ही बनाए थे, आंदोलन का विरोध, चंद्रेश जी प्लीज, चंद्रेश जी प्लीज, सिर्फ राजनीति में क्यों नहीं भर्ती हुए, राजनीति परिदर्शा के लिए अपना काम करता है, शामिल आप थे ना, तो उनका ये पता लगा कि वो मंदिर में जाकर कलावा बनाएंगे, नव और प्रदर्श कला के चंद्रेश जी पर वो कलमा पढ़ेंगे, चंद्रेश जी ये डीएनए जो है उसका कारण है कि देश की आज ये स्थिति है, चंद्रेश जी, और आज काश्मीर पर फिल्म बनी, चंद्रेश जी, चंद्रेश जी प्लीज, एक मिनट, एक मिनट प्रमुख साहब,
ये नकारा लोगों का काम था, ये प्रमाणित होना था, जनता को बीच में प्रमाणित हो चुका है। धर्मेंद्र प्रमुख साहब, और मैं बधाई देना चाहता हूँ डायरेक्टर्स को, पूरी टीम को, खासकर भारत रत्न खैर जी को और उनकी टीम को, चंद्रेश, उन्होंने सच्चाई निकाल कर देश के सामने रखी है। प्रमुख साहब, 135 करोड़ लोगों को बताया है कि आखिर हुआ क्या क्या है, इन्होंने जितना दंगा नाचा था, जिस दिन से देश आजाद हुआ था उसका चंद्रेश काम हुआ इन लोगों के साथ। एक मिनट, अरे ये बदनुमा दाग जो है आज मिट गए। देवेंद्र प्रमुख साहब, एक मिनट, चंद्रेश जी प्लीज, आपके बीच में एक मिनट, प्रमुख साहब, एक मिनट, प्रमुख साहब, एक फिल्म कहीं 2014 से पहले या 2019 से पहले रिलीज हो जाती तो शायद आप देखते नहीं। प्रमुख साहब, ऑडियो आ रहा है, लोगों को कितने जूते मारते लोग। प्रमुख साहब, ऑडियो आ रहा है, जैसे प्रमुख साहब का ऑडियो नहीं आ रहा, एक मिनट, ऑडियो नहीं आ रहा, देश से वो हार करके प्रमुख साहब को ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो कनेक्ट करिए, ऑडियो मिस करिए। चंद्रेश जी, आपको पूरा मौका दिया, इधर बवाल मत काटिए सर, आपके पास आऊंगा, जब आपके बीच में कोई नहीं बोला तो उम्मीद करता हूं कि आप भी किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज एक मिनट। मैं एक बात शाहिद जी आपसे जानना चाहूंगा, एक छोटे से सवाल, ये वाकई में कश्मीर के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत हो रही है या वाकई मरहम लगाया गया है कश्मीरी पंडितों के दर्द पर? शादी जी, जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बताया कि कश्मीरी पंडित के बारे में, मैं जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए बीजेपी और कांग्रेस से, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये कश्मीरी पंडित पर सियासत कर रहे हैं। रही कांग्रेस के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कश्मीरी पंडित के बारे में। अगर आपने कल के डेट में या आज के डेट में आपने INC केरला का ट्वीट देखा होगा, उनमें से वो लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, कश्मीरी मुस्लिम लाइक आज कांग्रेस वर्सेस कश्मीरी पंडित हो गया है ये लोग। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ये हमारे कश्मीरी पंडित के खिलाफ है। इन लोगों ने कभी कश्मीरी पंडित का साथ दिया नहीं, ये लोग सिर्फ कश्मीर के नाम पे प्रोपेगंडा करते हैं, इसीलिए देश की जनता ने इनको पकड़ा दिया है और उसको उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने लाइक किया है। मेरे ट्वीट को देखिए, मेरे ट्वीट को खोलिए, मैं ट्वीट आपको मैसेज कर रहा हूँ, मैं आपके नंबर पर मैसेज कर रहा हूँ, मेरे ट्वीट को दिखाइए। क्यों, केरल इकाई कौन है? आप केरल इकाई हैं, आप करवा दीजिए, आप यूपी इकाई से करवाइए ना, मैं कह रहा हूँ आप केरल इकाई से। आपने ट्वीट डिलीट किया कि नहीं किया? मैं आपका ट्वीट, आप कह रहे कि मेरा ट्वीट दिखाइए, ये केरल इकाई वाले कौन है फिर? चंद्रेश जी, केरल इकाई ने यदि किसी ने ट्वीट किया वो पार्टी का ट्वीट नहीं था। अच्छा, पार्टी का ट्वीट नहीं था तो आपका ट्वीट पार्टी का है, आपका ट्वीट पार्टी का है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कई बार ट्विटर जब ट्वीट करता है, जब तुम्हारा ट्वीट इतना बड़ा नहीं है, एक इंडिविजुअल तुम्हारे एक मिनट, चंद्रेश जी प्लीज, एक मिनट, ऋषि मिश्रा जी और विनय जी, अरे तिलक जी, चंद्रेश जी को बताइए अपनी बारी पर बात करें, ज्यादा फटे नहीं, एक मिनट, जोश में नहीं, ज्यादा ना आए, एक इतने बढ़िया लोग नहीं है, पता है पूरा देश जानता, देश को जो और इनकी औकात बता दी है, जो राजनीति के ये डेढ़ कोड़ी के लोग बच गए इस देश में। एक मिनट, अपनी औकात में रहकर बात करें, बीच में बात ना काटे किसी की, बता रहा हूँ, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों को नंगे करके तुम्हें सड़कों पर लाने का ही काम है हमारा। उनसे ज्यादा तकड़ी आवाज रखते हैं, उनसे ज्यादा बॉडी रखते हैं, उनसे ज्यादा माइंड रखते हैं, उनसे ज्यादा ताकत रखते हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, बता रहा हूँ। ऑडियो नीचे, एक प्रमुख साहब, अटल बिहारी कैसी भाषा का इस्तेमाल करें चंद्रेश जी, ऑडियो नीचे, दोनों का ऑडियो नीचे प्लीज। विनय तिवारी जी और ऋषि जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, पहले विनय तिवारी जी, ब्राह्मणों की बात करते हैं आप, पंडितों की बात करते हैं, ये कश्मीरी पंडितों पर सियासत किसने नहीं की? तिवारी जी जरा मुझे बताइए,
आज कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया जा रहा है और क्या एक फिल्म से कश्मीरी पंडित वापस लौट गए? लौट गए वापस? तिलक जी, मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था सबको और बहुत सहनशीलता से भी सुन रहा था, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि हमारे जो भी प्रवक्तागण बैठे हुए हैं हमारे सामने, वो बहुत सहनशीलता का परिचय देंगे। मैं बड़े शांति से सुन रहा था, आप शर्म की बात कर रहे थे, ऐसे बेशर्म लोग कि जो महानुभाव हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन पर इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ये धरती का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हो सकता है, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हो सकता है। मतलब आप बताइए कि जो हम लोगों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय लगाना जिसको नहीं पता हो, श्री लगाना नहीं पता हो, जो मतलब भारत रत्न है हमारे देश के, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर रहा है, ऐसे लोगों पर कतई FIR होना चाहिए और मैं इसके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। अब बात आती है कश्मीरी पंडितों की, तो मैं आपको बताऊं कि जब हजारों लोगों की मौत हुई, जब लाखों लोगों ने पलायन किया, तब राजनीति हुई और तब इन लोगों ने क्या कदम उठाया? तब तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, तब भारत 370 याद आ देते, तब तो इन्होंने हमारे देश के माथे पर एक मिनी पाकिस्तान बैठाया था और उस मिनी पाकिस्तान पर ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहे थे। वहां से आतंकवादी घटनाओं को जो है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में अंजाम दे रहे थे। ऐसे लोग किस चीज की बात करेंगे? ऐसे बदतमीज, ऐसे बेशर्म, ऐसे बेहूदे लोग किस चीज की बात करेंगे? आप कैसी उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से, जिसको जिसकी भाषा शैली में बेशर्मी झलक रही हो, जिसकी भाषा शैली अपने आप में, मतलब जो लाखों लोग देख रहे हैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, उसको तमीज नहीं होगी कैसे किसका नाम लिया जाता है, कौन इस देश का क्या है? मैं तुमको तमीज सिखा दूंगा, वो हमारे समाज के, हमारे देश के धरोहर अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का तमीज से नाम लेना तुम, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का तमीज से नाम लेना तुम, तुमको मैं तमीज सिखा दूंगा बदतमीज नहीं के, तुमको तुमको इतनी तमीज नहीं है, अपनी हद और अपने औकात में रहना, चंद्रेश अपने औकात में रहना, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने हद में बात करना, अपने हद में बात करना तुम, अपने हद में बात करना दंगाइयों आतंकवादियों के साथी, अपने हद में बात करना, तुम लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, तुम लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज तकलीफ हो रही है। कश्मीरी पंडितों से इतना प्रेम था, उनके पक्ष में क्यों नहीं बोले ऋषि जी, उनके साथ क्यों नहीं खड़े? ऋषि जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज ऋषि जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, विनय जी प्लीज एक मिनट, मैं जा रहा हूँ चंद्रेश जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज, ऑडियो नीचे। ऋषि जी, ये कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेदार कौन है? और अगर जिम्मेदार वाकई कांग्रेस है, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जिन्होंने इनके नाम पर सियासत की, उन्होंने बसा दिया उनको वहां कश्मीरी पंडितों को? देखिए, पहले मैं शुरुआत करूंगा तिलक जी, देखिए जिस प्रकार से डिबेट का भाषा है वो नहीं होना चाहिए, अब बहुत दुखदाई है जितने पैनलिस्ट हैं पार्लियामेंट्री भाषा में डिबेट करें, अपनी बातों को रखें, संयम से बात करें। देखिए मेरा ये मानना है, मैं पहले एक रिएक्शन देना चाहता हूँ, केरल कांग्रेस ने जिस प्रकार से ट्वीट किया है, तो मैं कांग्रेस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का ट्वीट यदि कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से होंगे तो कांग्रेस को फिर दुश्मन की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का आप जो है बहुसंख्यकवाद के सेंटीमेंट को छेड़ के भारत में राजनीति नहीं कर सकते हैं, और कश्मीर में पंडितों के साथ जो हुआ बहुत दुखदाई है, और किसी भी सरकार ने, चाहे वो भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, उस परिवार के साथ न्याय नहीं किया। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, 62,000 कश्मीरी पंडित परिवार पलायन किए थे जब ये घटना हुई थी, कितने परिवार को बसाया गया है अब तक? और जब से घटना हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही और 7-8 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे से पूछना चाहता हूँ, 62,000 परिवार में से कितने लोगों को आपने बसाया? 10 साल UPA की सरकार रही, 6 साल श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और 7 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। तो कश्मीरी पंडितों के सेंटिमेंट को हर पॉलिटिकल पार्टी ने कैश किया है, लेकिन उनके उत्थान को देखेंगे
तो मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से कश्मीर वासियों को भी और कश्मीर में जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी अलगाववादी हैं आप उनके परिवार के लोगों का रहन सहन देखें। यह मल्लिक करके अलगाववादी है, उसकी बेटी लंदन में डॉक्टर है। तो हमारे कश्मीर भाइयों को भी समझना चाहिए कि जो आपको भड़काते हैं उनके बेटे और बेटियां बाहर पढ़ते हैं, बाहर रहते हैं और आपको पत्थर थमा देते हैं लड़ने के लिए। कश्मीर आपका अभिन्न हिस्सा है, हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। और मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं आपको तिलक जी कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में यदि एक व्यक्ति पे 42,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च होता है एक साल में, तो कश्मीर में और कश्मीर में रहने वाले लोगों पे 93,000 पर व्यक्ति एक साल में खर्चा होता है। तो हिंदुस्तान ने कश्मीर के लोगों को क्या नहीं दिया? हिंदुस्तान सरकार ने कश्मीर के भलाई के लिए और कश्मीर के उत्थान के लिए सब कुछ किया है। तो हमारे वहां के लोगों से जो बात आप कह रहे हैं ऋषि जी, मैं उसी को आगे ले जा रहा हूं, लेकिन एक कमेंट के साथ, लाइव में एक कमेंट आया है चंद्रेश जी, और मैं चाहूंगा प्लीज बीच में कोई ना बोले, प्लीज प्रमुख साहब प्लीज बीच में मत बोलिएगा, विनय जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। क्या आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया बीजेपी के लिए? आपने बीजेपी नेता को क्या यह बोला कि तुम्हारे बाप अटल बिहारी वाजपेयी? क्या आपने बोला था चंद्रेश जी? बिल्कुल हमने बोला था। आपने क्या बोला था? हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमने ये भी कहा कि इनके दद्दा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपने बोला कि तुम्हारे बाप अटल बिहारी वाजपेयी। मैं चाहूंगा आप इन शब्दों को वापिस लीजिए प्लीज। बिल्कुल देखिए ऐसा है ना, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप इन शब्दों को वापस लीजिए। लेकिन कोई मैं नहीं, देखिए हमारी बातों से किसी को हर्ट हुआ है तो हम उसकी क्षमा भी मांगते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जानते हैं किनके बारे में कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार से? इन्होंने क्या वो व्यक्ति किसी पार्टी और पद का है? क्या व्यक्ति जो भारत रत्न जिसे मिला हो, क्या उस व्यक्ति की कद का अंदाजा आपको है? हमें शोभा देता है, हम डिबेट में बैठ के अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? क्या स्वर्गीय नेहरू जी के संबंध में ऐसी बातें शोभा देती है? अगर इतिहास के पन्नों में वो लिखा हुआ है तो मैं पूछूंगा आपसे सवाल, इंदिरा गांधी जमीन क्यों नहीं खरीद पाई? तो मैंने ये सवाल तो पूछा आपसे, क्या ये सवाल जायज नहीं है? क्या ये सवाल ना पूछूं इंदिरा गांधी जमीन क्यों नहीं खरीद पाई? 370-35 से कौन लेकर आया? सुनिए, मैं मेरे 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 सिर्फ एक सवाल को, मेरे एक सवाल का बस जवाब चाहिए कि 19 जनवरी को जब कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हो रहा था उस समय देश के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे खास थे उनके 85 सांसदों के समर्थन से गृह मंत्री बने, जगमोहन उस समय राज्यपाल थे, वहां राष्ट्रपति शासन था, क्या इन तीनों से सवाल बनता है चारों से या नहीं बनता है? आप इन चारों जो उस समय सत्ता में थे, जो हुक्मरान थे, चाय जी को हटाइए, 1990 में कोई घटना घटती है, घटना 1990 में घटना घटती और जवाब नेहरू देंगे, सरकार आपकी है, नेहरू जवाब देंगे, वाह भाई। अब मुझे एक बात बताइए, ये फारूक अब्दुल्ला उसी नेहरू ने गुवाहाटी को मिलाया, चंद्रेश जी सुनिए ना, सिक्किम को मिलाया, सुनिए तो सही, हैदराबाद को मिलाया था, जूनागढ़ को मिलाया था, सर सुनिए तो सही, सवाल तो ले लीजिए, ये भी तो बताइए फारूक अब्दुल्ला नाम तो सुना होगा ना, ये मुख्यमंत्री किसके समर्थन से बने थे, किसके मालूम है ना कि नहीं मालूम? भाजपा ने अभी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाया था, किसके समर्थन से बनाया था? सर मैं तो कह रहा हूँ, पूछूंगा ये पीडीपी कौन है? जिसके साथ सरकार बनाया था ढाई साल के, वो कौन थे? इस घटना के जड़ में आप जाने की कोशिश करिए, ये आरएसएस प्रायोजित था, आरएसएस ने इस दंगे को कराया था, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की मौन स्वीकृति थी, मौन स्वीकृति अटल बिहारी वाजपेयी की थी, आप ये कह रहे हैं, ओके अपनी बात रखिए, विनय जी क्या कह रहे हैं, फिर मैं दावेंद्र को। देखिए तिलक जी, जिस व्यक्ति को मतलब आज जो व्यक्ति मतलब आप ये नर्क में अपने आप ही लोग जा रहे हैं, कर्मों की बदौलत जा रहे हैं, इन्होंने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, इन्होंने हमेशा देश विरोधी कृत्य किया, हिंदुत्व विरोधी कृत्य किया,
ये कभी मंदिर के साथ नहीं खड़े हुए, कभी जो कश्मीर जो हमारे सर का ताज है, एकदम शांति सुनो, एकदम शांति से सुनो, शांति से सुनो, मुझे अभी बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, शांति से सुनो, शांति से सुनो, शांति से सुनो, चंद्र जी ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक कर दूंगा, बड़ी शांति से सुनो, शांति से सुनो, सुनो यार चंद्र सरकार तुम्हें रहना तो अपने दो मिनट में तुमको तुम्हारी अवकाश दिखा दूंगा, तुम्हारे जैसे दो टके के लोगों को दो मिनट में अवकाश दिखा दूंगा, शांति से सुनो, शांति से सुनो, तुम्हारे लिए बहुत बहुत बेटर रहेगा, बहुत शांति से सुना हूँ, मिल लेना तुमको, तुम्हारी अवकाश बता दूंगा कितने कितने की तुम्हारी अवकाश है, ठीक है, तुम्हारी पार्टी की अवकाश बता दिया, उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक दिया गया और केंद्र से उखाड़ के फेंक दिया गया, आने वाले समय में सुनो, तुम्हारे तुम्हारे पार्टी का निष्नाबूद करके वजूद खत्म करके छोड़ूंगा, सुनो अब अपनी अवकाश देखो, तुम अपनी भाषा शैली देखो, दो चुके के प्रवक्ता आकर के बैठ करके तुम बात करते हो, जिस ब्राह्मण समाज के लोगों से तुम्हारी बात करने की भाषा शैली नहीं है, ब्राह्मण समाज के सिरमौर और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न है उनके बारे में गलत टिप्पणी करते हो, कांग्रेस के साथ साथ तुम्हारा भी पतन होगा, कांग्रेस के साथ साथ तुम्हारा भी पतन होगा। विनय जी प्लीज एक मिनट, देवेंद्र प्रमुख साहब मुझे एक बात बताइए, विनय जी प्लीज 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 प्रमुख साहब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मैंने थोड़ी सी बहुत फिल्म देखी है, ऑडियो नीचे रखिएगा सबका, एक मिनट मैं आपसे एक बात ना चाहना था, ये आपने सर आवाज़ आ रही है ना प्रमुख साहब, आपको प्रमुख साहब का ऑडियो सिर्फ, प्रमुख साहब ये आप बता सकते हैं मुझे, राष्ट्रवाद कश्मीरी पंडित हमारे एजेंडे पर, सर ये अब तक कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई, कुछ आंकड़ा है आपके पास प्रमुख साहब? तिलक जी बताने के लिए तो देखिए बहुत लंबा समय हो गया, और क्या क्या बताना है, मुझे सिर्फ इतना बताइए, हमेशा जब डिबेट की बात आती है, कोई चर्चा होती है तो 60 वर्षों पर चर्चा होती है, नहीं मैं ये बताता हूँ, एजेंडा आपका था ना, इन्होंने तोड़ा ना आपके मुताबिक, इन्होंने बर्बाद किया कश्मीर को, आपने सवारा ना, आप ये कह रहे हैं आपने सवारा, मेरे को इतना बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसाया, घर वापसी कितनों की हुई, एक आंकड़ा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपने कहे कितने पंडितों की वापसी हुई है, कश्मीर जो है पंडितों से अलग भी इस देश का अभिनंग है, इस देश की वो खूबसूरती है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, आज जो काम हुआ इस देश में वो आज से 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, कश्मीरी जिस पंडित दिन देश आजाद हुआ था, कश्मीरी पंडित जिस दिन नेहरू एंड पार्टी सरकार में पूर्ण रूप से आई थी, और जिन लोगों का ये कर्त है अगर इंदिरा के रहते हुए भी उसको संभाल लिया जाता तो आज इस देश की नहीं, इस देश की जो हालत है वो कश्मीरी वो रास्ता है घुसने का, मैं आपको बहुत तथ्य के साथ बोल रहा हूँ तिलक जी, इस देश को जो इतना नुकसान उठाना पड़ा है उस कश्मीर की वजह से उठाना पड़ा है, कई लाख करोड़ रुपया, तो मुझे एक सवाल, आंकड़ा नहीं है ना आपके पास, आपके पास आंकड़ा नहीं है ना कितने कश्मीरी पंडित बिसाए आपने, आप मेरे को एक बात बताइए, ये कश्मीरी पंडितों को लेकर आप मुझे इतना बता दीजिए प्रमुख साहब, बताइए ना फिर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए ना, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए अगर आपने बसाए तो कितने कश्मीरी पंडित बसाए वहाँ पर, और हर कश्मीरी को अधिकार मिलेगा, ये काम किया हमने, आप मुझे एक बात बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे ये फिर कश्मीरी पंडित आज भी रिफ्यूजी क्यों है अपने देश में, क्यों है आज नहीं है, आज से पहले थे आज नहीं है तिलक जी, तो आप मुझे बता दीजिए कश्मीरी पंडित एक ही दिन में, एक ही जमीन का मालिक है और अपना मालिकाना हक लेना शुरू कर दिया, एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने घरों पर अपने हिस्से को और अपनी जमीन के आधार को वापस, आंकड़ा दीजिए ना मुझे, दीजिए आंकड़ा देख लीजिए निकाल कर नेट के माध्यम से, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बदतमीजी नहीं कर सकता आपके साथ, एक दिन में सवाल उनसे भी करूंगा, आपसे भी करूंगा, कहते हैं सवाल उनसे भी, मैं नहीं पूरे भारत में आज पूरी तरह से भारत आजाद हुआ है, एक दिन में 1977 हटने के बाद आजाद हुआ है, अच्छा अभी तक आजादी अधूरी थी, एक नारा एक देश एक झंडा एक निशान जो बाकी था, मैं नमन करता हूँ भारत के उस प्रधानमंत्री को जिसको पूरी दुनिया करती है,
नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, जय भारत करता हूँ, और भारत माता की जय बोलता हूँ, ब्राह्मण समाज की जय बोलता हूँ, उस ब्राह्मण की जय बोलता हूँ जिसे रामायण में लेकर महाभारत में पूजा जाता है, जिसको भगवान ने पूजा, जिसको छत्री ने पूजा, उस ब्राह्मण की लड़ाई लड़ी तो मेरे ओबीसी के सबसे बैकवर्ड पिछड़े हुए नेता ने लड़ी, उसके लिए मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री को। सवाल पूछ लूं, एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा था, एक ही दिन में? वो सवाल का कोई मौजूद नहीं रहा, मैंने क्लियर कर दिया, कोई मौजूद मैंने क्लियर कर दिया तिलक जी, 5,00,000 कश्मीरी पंडितों में से, 5,00,000 कश्मीरी पंडितों में से 3,50,000, सर सुन लीजिए ना, 5,00,000 कश्मीरी पंडितों में से 3,00,000, करीब 3,00,000, 3,50,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी को छोड़ा, आपने कितनों को बसाया, सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे। सारे को, आज सारा पंडित आज घाटी में जाने के लिए तैयार बैठकर जाना शुरू हो गया, और कुछ समय दीजिए, अगर कोविड काल नहीं होता तो अब तक भेज देते सबको अपने निवासों पर, 2050 में, जमीनों पर, अपने मकानों पर, 2050 में के साथ कहते हैं, 2060 में कि आने वाले समय में आप बताइए ना, जमीन के मालिकाना हक होंगे अपने कश्मीर के, 2050 में ब्राह्मण समाज वो पंडित, 2050 में रिफ्यूजी बनाया था कांग्रेस ने, उसका काम करेंगे वो, आपकी घर बसा, 2050 में, 2050 में, 2050 में नहीं, नहीं चलेगी, 2060 में, 2050 में नहीं, कब, 2024 से पहले पहले कर देंगे, 2024 से पहले, गारंटी नोट कर लीजिए, पॉलिटिकल फायदा उठाना है क्या, मैं बैठकर बोल रहा हूँ, किसने मुहूर्त निकाला 2024 से पहले, इंसाफ कर देंगे, पॉलिटिकल फायदा उठाना है, साथ बोलते हैं कांग्रेस की तरफ बकवास करना नहीं आता हमें, हमें भरोसा है अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर, अपने शासन पर, अपनी सरकार पर, पॉलिटिकल फायदा चाहिए, और 135 करोड़ लोगों पर, पॉलिटिकल फायदा चाहिए, खड़े हैं उन पर भरोसा है, हम पर हिंदुत्व पर भरोसा है, हिंदुत्व पर सहा है, हिंदुत्व जिन माँ बहनों ने सहा है, संविधान पर भरोसा करिए ना, संविधान पर, संविधान, संविधान पर भरोसा नहीं होता तो ये संभव ही नहीं होता जो हुआ है, संविधान का अगर किसी ने यूज किया है, संविधान के माध्यम से अगर इस देश को, अब मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, पार्टी है सुमित जिसने सही संविधान का निर्णय लिया, 500 वर्षों तक राम के मंदिर को तोड़कर, चंद्रेश जी, चंद्रेश के नंद स्थिति को मिटाने की कोशिश की, चंद्रेश जी, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, कश्मीर को जो पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं था, 47 के बाद हुआ, प्रमुख साहब रुकिए रुकिए रुकिए, जब मैं बोलूंगा तब प्ले करिएगा सुमित, उसके बाद भी जाकर इन्होंने सौ में अपने डीएनए के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो डीएनए है वो कश्मीरी हो गया है। अब सिर्फ चंद्रेश जी का हो गया, सिर्फ एक मिनट प्रमुख साहब, प्रमुख साहब एक मिनट, मैं एक श्योरिटी चाह रहा हूँ चंद्रेश जी से, चंद्रेश जी मैं आपको जानता हूँ और आपके भाव को भी समझता हूँ, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आज आपने किया वो वाकई में, क्योंकि आपसे उम्मीद नहीं है मेरे को, मैं आपसे गारंटी चाह रहा हूँ, अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैं उम्मीद चाहूंगा कि आप डिबेट छोड़कर नहीं भागेंगे, प्ले करूं, करूं, प्ले करो, प्ले करिए, ये तस्वीरें दिखाओ, ये ट्विटर हैंडल पर काफी ट्वीट हो रही है, ये तस्वीर देखी आपने चंद्रेश जी, एम्बियंस उठाइए अगर एम्बियंस है तो, नहीं ये कश्मीर तो मैं बता रहा हूं, ये तो हमारे संज्ञान में तस्वीर नहीं है, मैं ये ट्विटर हैंडल पर आज ये तस्वीरें ट्वीट हो रही है, ये ट्विटर हैंडल से मुझे तस्वीरें मिली, किसकी तरफ से सर, आपको किसकी तरफ से तस्वीर दिखा रहा हूँ, तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं, तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपने कहा हम नाराज नहीं हो रहे हैं, आपने कहा एक सेकंड, आप ही के नेताओं ने जो लिखा ये तस्वीर मालूम है किसकी है, जानते आप इसे, बताइए, सुना है नाम, स्क्रीन पर लाइए, नहीं बताइए ना, बताइए, बता रहा हूँ, बताइए, ये कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के मेहमान हुआ करते थे, मेहमान, और इन्हें कश्मीरी पंडितों का हत्यारा तक बोला गया, हत्यारा, जिसे आपकी सरकार में भरपूर प्यार मिला, प्यार, जनाब यासीन मलिक साहब जिसे आप कैसे, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो मुझे कोई आतंकवादी का ही पिक्चर दिख रहा था, मुझे तो लग रहा है था कोई आतंकवादी है, कोई नरसंहारक है ना, तो यासीन मलिक कौन है, और इस तरह से हथियार लेकर प्रदर्शन करने वाले को समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी, यासीन मलिक कौन है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता यासीन मलिक कौन है, कौन है, सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा एक चीज बताइए, अभी तालिबान के साथ
डेलीगेट्स, इंडियन डेलीगेट्स दो दो मीटिंग दोहा में और मास्को में किया। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। यासिन मलिक तो कौन है? मंत्री को कह दिया जाए कि आतंकवादी है। यासिन मलिक कौन है? यासिन मलिक छोड़िए, जो भी हो, क्यों छोड़ू? जो व्यक्ति भारत क्यों छोड़ू? कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो, यासिन मलिक को छोड़ दूं मैं? यासिन मलिक को छोड़ दूं? कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूं भाई, कश्मीर में मैं भाई, हमने एक ही प्रश्न पूछा कि कश्मीर में जब 19 जनवरी को ये घटना घटी, देश की सत्ता की बागडोर, आपने कहा यासिन मलिक को छोड़ दो, वो जवाब देगा? मैं यासिन मलिक को क्यों छोड़ूं? क्या उससे सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? यासिन मलिक को क्यों छोड़ूं मैं, बिल्कुल मत छोड़िए। तो आप मुझे फिर ये बता दो, आप अगर आप कह रहे हैं यासिन मलिक को छोड़ दो, नरेंद्र मोदी से कि यासिन मलिक को भरे चौराहे पर गोली मरवा दें। यासिन मलिक, नरेंद्र मोदी ये हिम्मत कर पाएंगे मरवा दें? फोटो आप खिंचवा रहे थे, मेहमान आप बना रहे थे, आज आप कह रहे हो कि गोली चला दो? देश का पहला सुनिए, एक अलगाववादी देश का जब पहला गृह मंत्री बना, एक अलगाववादी अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से देश का गृह मंत्री बना। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, 1990 में एक बात बताइए, कश्मीर में ये दंगा होता है, ये सवाल ले लीजिए चंद्रेश जी, सवाल ले लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ, डिबेट छोड़ दूंगा यहीं पर डिबेट छोड़ दूंगा। कश्मीर की मस्जिदों से नारे लग रहे थे, कश्मीर की मस्जिदों से क्या नारे लग रहे थे मालूम है ना आपको? क्या नारे लग रहे थे कश्मीर की मस्जिदों से? नारे लग रहे थे कि कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। कश्मीर की मस्जिदों से नारे जब लग रहे थे, तब पूरे के पूरे राज्य में बिजली नहीं थी, लेकिन मस्जिदों में बिजली थी, ठीक ही नहीं? और जिसे आप कह रहे हैं कि यासिन मलिक को छोड़ दो, यासिन मलिक कौन है? कौन है यासिन मलिक? क्यों छोड़ दूं मैं उसको? मलिक को आप चौराहे पर खड़ा करा के गोली मरवा दीजिए। तो आपने उसे मेहमान क्यों बनाया अपना? चौराहे पर खड़ा कर आपने मेहमान क्यों बनाया उसे अपना? आपने मेहमान क्यों बनाया? आपने उसे मेहमान नहीं बनाया, किसी ने नहीं मेहमान बनाया। यूपीए सरकार में होगा कोई समझौता हुई होगी, भरपूर प्यार नक्सलियों के साथ, भरपूर प्यार पार्टी ने बैठकर एग्रीमेंट किया और नक्सलवाद छोड़ने की बात की। आप ये भी बता दीजिए फिर, कितने मुसलमानों ने पलायन किया कश्मीर से? कितने मुसलमानों ने कश्मीर से पलायन किया बताइए ना चंद्रेश जी? आज आप ट्वीट कर रहे हैं, कितने मुसलमानों ने पलायन कर दिया? सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह जवाब देंगे, मोहम्मद मुफ्ती सईद जी जवाब देंगे, जगमोहन जवाब देंगे। आप ट्वीट करें, आप ट्वीट करें, 1990 से 2007 के दौरान पंडितों की तुलना में मुसलमानों को ज्यादा मारा गया। आप ये ट्वीट करें और फिर आप कह रहे कि जवाब इनसे लो। नहीं नहीं सुनिए, ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटी, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं वो नरसंहार था, नरसंहार था। करता हूं, बेटियों को छोड़ जाओ, बेटियों को छोड़ जाओ, यहीं का कोई समर्थन नहीं करता। उस नरसंहार हमारी माताओं बहनों के साथ ब्लास्टिंग हुआ, छेड़खानी हुई, उनको जबरन घर से 33 साल बाद याद आया आपको? घटना घटी 33 साल के बाद याद आया आपको? समर्थित सरकार के रिज्यूम में, और देवेंद्र प्रमुख घटी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, देवेंद्र प्रमुख साहब वाजपेयी के समर्थित सरकार में ये घटना घटी। देवेंद्र प्रमुख साहब, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस घटना की। देवेंद्र प्रमुख साहब वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में जब सरकार थी, वो सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही वीपी सिंह की सरकार थी, राज्यपाल वहां पर जगमोहन राज्यपाल थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद भाजपा के समर्थन से ही गृह मंत्री बने थे। एक मिनट, उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इसके गुनहगार आप थे। देखिए तिलक जी, शिशाई बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कुछ ये कर नहीं सकते। मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि धोखा, गद्दारी, देश तोड़ना, डीएनए में फर्क, जितने सारे ऐप हैं, उससे बनकर ये कांग्रेस बनी। 1990 के इनके पास गांधी कोई स्तंभ है, ना कोई इनका डीएनए, ना तो ये मुस्लिम है, ना ये ब्राह्मण है। इन्होंने मुस्लिमों का भी नाश किया, ब्राह्मणों के धर्म को भी खराब करने का नाश काम किया। ये देश में ऐसी गंद फैली है जिसे आज तक खत्म नहीं किया जा सकता। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप मेरे सवाल को बोल कर रहे हैं, सरकारों का काम नहीं था, आप मेरे सवाल को बोल कर रहे हैं। ये डीएनए शुरू से गलत था, क्यों तो 35 ए लगी, क्यों 370 लगी, कश्मीर में 370 या 35 ए का तक कारण क्या था, करने वाले कौन थे? इन लोगों के दिमाग में जिस दिन से
जिस दिन से देश आजाद हुआ था और आपने देखा था जब वहां कमेटी बनी थी, कितने कश्मीरी पंडित बसाए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। 1990 के अंत तक 95% कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जगमोहन राज्यपाल थे, समर्थन आपका था और फिर भी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों का हक दिलाया है और राम मंदिर को वापस लाए हैं जो 500 वर्ष पहले गया था, जो विनय जी मुझे एक बात बताइए, विनय जी, विनय जी, सिर्फ विनय जी का ऑडियो, विनय जी का ऑडियो, विनय जी का ऑडियो, एक मिनट, विनय जी मुझे एक बात बताइए, इनसे पूछ तो लो, इतनी हिम्मत तो लाओ विनय जी, आपसे तो बहुत, आप तो बहुत हिम्मत वाली बातें करते हैं, इनसे पूछो तो सही कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कब वापस घर वापसी करवाओगे, तारीख तो पूछ लो। देखें, हमने जिस जिस चीज की तारीख पूछी है, तिलक जी देखिए, इसको खुजली बहुत है इस बंदे को, इसकी खुजली दूर करना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब आता हूँ इनकी खुजली शुरू हो जाती है, ये बोलने नहीं देते हैं तो मैं बोलूं कैसे, इनको खुजली पहले, इनकी खुजली, या तो अपनी बोल के शांत हो ले तो मैं बोलूं अपनी बात रखूं, हमने हमारे बोलने से पहले इनकी खुजली शुरू हो जाती है। एक सेकंड चंद्रेश जी, प्लीज पंडित जी जरा पूछिए, प्रमुख साहब से तारीख पूछिए जी। तिलक जी हमारे पूछने से पहले ही देवेंद्र जी ने जब डेट दे दिया कि हम 24 के पहले उनका पलायन वापस कराएंगे, अगर ये नहीं कराएंगे तो मैं इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इनका सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी होगा तो मैं विनय तिवारी अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से होऊंगा, इस चीज का आपके चैनल पे वादा कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, और आपको तो मेरे द्वारा किए गए सारे कमिटमेंट याद रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बड़ी देर से सुन रहा था, मैं जानना चाहता हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जब जेएनयू में लगता है तो उनका साथ कौन देता है, उनके साथ कौन खड़ा होता है, उनसे हमदर्दी कौन जताता है, उनको जाकर के गले से कौन लगाता है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जाके लगाते हैं, हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। और रही बात, अगर यह चीज कही जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी तुम्हारे बाप थे, अरे मैं कहता हूं कि पूरा देश, आज हमारे देश का 100 करोड़ हिंदू उनको राष्ट्रपिता के रूप में देख सकता है, लेकिन तुम हमेशा यासीर मलिक जैसे को अपना बाप बनाए हो, जितने भी कांग्रेसी हो अपना बाप माने हो, और वही तुम्हारे बाप हो सकते हैं, इसलिए आज मिर्ची लगती है, इसलिए तकलीफ होती है, क्योंकि आज जो इनके रिश्तेदार फल फूल रहे थे, आज जो इनके भाई पटीदार कश्मीर में जिंदा थे, आज उनका जीना हराम हो गया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से भगाया था। मैं कहता हूं, एक मिनट, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन प्लीज इस तरह नहीं, ये बहुत गंभीर विषय, मैं जानता हूं, चंद्रेश जी प्लीज, वक्त नहीं है, प्लीज मेरा जवाब ले लीजिए, प्लीज 10 सेकंड, प्लीज जल्दी से, मैं आखिरी जवाब 10 सेकंड का आखिरी जवाब। इस देश में जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी, विभाजन से अधिक दर्दनाक नहीं था, विभाजन बहुत भयानक घटना थी, और बहुत इससे भी ज्यादा लोगों ने अपनी जाने गवाई, हमारे हिंदू भाइयों बहनों ने गवाई, उस विभाजन का खलनायक जिन्ना था, नहीं मुसलमानों को भी कहिए ना, मुसलमान भाइयों बहनों को भी कह दीजिए, आप हिंदू क्यों गा रहे हैं, जाते जाते हिंदू क्यों गा रहे हैं, ट्विटर पे तो हिंदू मुसलमान को, थैंक यू सो मच। लेकिन जो बातें सामने आई चंद्रेश जी, वो आपके नेताओं के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई, उस पर सवाल तो खड़े होंगे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।